साइंस क्लासेस बाय रंजीत कुमार में आप सभी का स्वागत है। आप सभी पढ़ने जा रहे हैं 8th क्लास बायोलॉजी चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। तो सबसे पहले आपका आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म दो वर्ड से बना हुआ है, माइक्रो प्लस ऑर्गेनिज्म, जिसका मतलब होता है आपका वैसे ऑर्गेनिज्म जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो यह हमारे जीवन में फ्रेंड भी होते हैं और फो भी होते हैं, यानी दुश्मन भी होते हैं। तो हम लोग आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, क्या आपके पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है। तो सबसे पहले है कि हाउ एवर देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस वी नॉर्मली कैन नॉट सी, जिसे हम लोग देख नहीं सकते। इसके देखने के लिए स्पेशल आपका कुछ इंस्ट्रूमेंट होता है, जिससे हम लोग बड़ा करके इसको देख सकते हैं, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रोस्कोप की मदद से ही हम इसे देख सकते हैं, इसीलिए इसको हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो अब हम लोग आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलेंगे कहाँ कहाँ। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के को जानने के लिए हम लोग एक्टिविटी 2.1 कहते हैं कलेक्ट सम मोस्ट सॉइल एंड फ्रॉम द फाइल्ड इन अ बीकर एंड एड वाटर टू इट आफ्टर द सॉइल पार्टिकल हैव सेटल डाउन। ऑब्जर्व ए ड्रॉप ऑफ वाटर द बीकर अंडर द माइक्रोस्कोप। जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था कि माइक्रोस्कोप से देखे जाने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे के सारे क्या हैं, आपके सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। जैसे सॉइल ले लिया हम लोगों ने एक बीकर में, उसमें पानी डाल दिया, जब तक वह नीचे ना बैठे तब तक क्या है कि एक ड्रॉप पानी उसमें से लेकर के उसको माइक्रोस्कोप से देखने से मालूम चला कि उसके अंदर कैसे कैसे माइक्रोस्कोप है। अब आते हैं हम लोग आगे। दूसरा एक्टिविटी है टेक अ फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम पॉन्ड, यानी कि पॉन्ड से आपने लिया और उसको ग्लास स्लाइड बनाकर माइक्रोस्कोप से देखा तो आपने पाया कि उसके अंदर भी बैक्टीरिया या वायरस जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। तो हम लोग आते हैं कि इसके टाइप कितने होते हैं, कितने क्लास होते हैं, है ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्लासीफाई इंटू 4 ग्रुप, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गा, ये सब उसके पार्ट हैं। इसके बाद आपका आता है वायरस भी एक तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है, ठीक है। इनको दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म, मैंने जितने होस्ट ऑर्गेनिज्म हैं तो उनके अंदर ये पैदा होता है। वायरस की फिगर आपको 2.5 में मिल जाएगी। कॉमन अलाइनमेंट कोल्ड, अलाइनमेंट कोल्ड हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, फ्लू या कफ हो गया, जो खांसी होता है नॉर्मली। अभी आपका जो COVID-19 जो चल रहा है, कोरोना वायरस, कोरोना वो भी आपका वायरस से होने वाला डिजीज़ है। यहाँ तक कि जो डिजीज़ होता है डिसेंट्री, मलेरिया, ये प्रोटोजोआ से होने वाले बैक्टीरिया है। ट्यूबरक्लोसिस जिसको टीबी बोलते हैं, ये बैक्टीरियल डिजीज़ है। चलिए तो हम लोग फिगर देखते हैं। हमारे पास फिगर है इस चैप्टर में, जो फिगर हम लोग अभी देखेंगे इसमें हम लोग देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह से दिखते हैं। ये अभी लोड हो रहा है, देखिए ये आ गया आपके सामने, ये फिगर है। तो ये आपके सबसे पहले यहाँ देखिए एक फिगर है आपके स्पायरल बैक्टीरिया का, ये स्पायरल बैक्टीरिया कहा जाता है। इसके बाद देखिए ये जो बगल में बना हुआ है कुछ राइस के शेप का है, लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं रॉड शेप बैक्टीरिया, क्योंकि रॉड की शेप का दिखाई देता है। उसके बाद आते हैं हम लोग आगे नीचे, तो अलग अलग तरह के बैक्टीरिया सब हैं। जैसे ये आपका कोलम्बोडोनस है, ये आपका स्पायरोगायरिया है, ये एमोबा है, ये पैरामीशियम है। इसके बाद हम लोग नीचे आते हैं, नीचे ये ब्रेड मोल्ड्स है, जिसके कारण ब्रेड जो है वो सड़न होने लगता है, हमें सड़ने लगता है, ये पैरामीशियम है। और ये आपका एस्पायरोगायरा नहीं, ये आपका एस्पायरिगिलस है, एस्पायरिगिलस, ठीक है। इससे आपने आज की पढ़ाई, मैं आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। यहाँ देखिए मैं कुछ मिस कर रहा था, ये देखिए ये हो गया वायरस, देखिए कितने सुंदर लगते हैं देखने में,
लगता है जैसे एलियन या सेटेलाइट है, लेकिन उतना ही ये खतरनाक होते हैं। आपने COVID-19 की भी फिगर देखे होंगे, कितना अच्छा जैसा लगता है, लेकिन ये अच्छे दिखने में लगते हैं और उतने ही खतरनाक होते हैं। बहुत खतरनाक खतरनाक तरह की बीमारी होती है। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के बारे में। इस वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और नए हैं तो बेल आइकन जरूर प्रेस करेंगे ताकि आपको नए नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।